राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, नमक पारे, जो सभी को ज़्यादातर बहुत अच्छे पसंद आते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज बनते हैं, जो बच्चों भी पसंद करते हैं, सारे लोग ही इसको ज़्यादातर पसंद करते हैं, नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ नमकीन पारे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक किलो मैदा ले लिया है, अब एक किलो मैदे में इसमें ऐड करेंगे सामग्री, नमक, जो स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, बहुत से लोग तेज़ नमक पसंद करते हैं। इसमें 3 चम्मच नमक छोटे ऐड करेंगे, छोटी चम्मच, बड़ी चम्मच नहीं, बड़ी चम्मच ज़्यादा हो जाएगा नमक, इसलिए बेकार लगेगा। अब इसमें अजवाइन, 3 चम्मच स्वाद अनुसार, ज़्यादा अजवाइन पड़ेगी तो ब्लैक हो जाएंगे पारे। अब बेकिंग सोडा, जो हल्का सा पड़ेगा, थोड़ा सा नाम के लिए, इसलिए एक चुटकी ऐड करेंगे। 1 चम्मच चीनी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इससे बिस्किट जैसा टेस्ट लगता है, बच्चे भी पसंद करते हैं, इन बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं कि इसमें, अब इसमें ऑयल डालेंगे, अब इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, मोन अच्छा पड़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा मोन डाल देंगे तो मीठे पारे बेकार हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं हमने 6 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, अब इसको अच्छे से ऐड करेंगे स्मूथली। अब देख रहे हैं आप, सारा सामान इसमें मिक्स हो गया है, अजवाइन, नमक, बेकिंग सोडा, ऑयल। ऑयल की मात्रा उतनी रखनी है जो मैदे में ऐसे करके लड्डू बन जाएंगे, अगर ये लड्डू बन जाएंगे तो इसमें मतलब मोन अच्छा पड़ा है, ज़्यादा मोन पड़ेगा तो नमक के पारे गीले हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं इसके अच्छे से लड्डू बन रहा है, मोन की पहचान। अब इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, ये हमने पानी ले लिया है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गीली हो जाएगी मैदा तो फिर बिलने में प्रॉब्लम होगी। आटा पूड़ी जैसा मड़ेगा, टाइट, थोड़ा सा जैसे आटा मड़ता है टाइट पूड़ी वाला, वैसे इसको स्लोली स्लोली मारना है। अब आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे इसको मार रहे हैं अच्छे से, अब मिलती हूँ मैं इसको मारने के बाद। अब आप देख सकते हैं मैदा मर चुकी है, अब ये तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए आप आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब मिलती हूँ मैं 20 मिनट बाद, अब इसको ढक के रख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसके लिए थाली हटा लेंगे, अब इस मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैदे को सही से चीनी पड़ी हुई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप देख रहे हैं हमने अच्छे से इसको मिला लिया है, अब इसकी एक लोई लेके बेल लेंगे, गोला टाइप का बना लेंगे अच्छे से, इसको ज़्यादा गीला नहीं मारना है। आप देख रहे हैं कि हमने इसको पूड़ी ऐसा आटा मारा है, जैसे पूड़ी का आटा मारते हैं वैसे ही मैदे को पूड़ी की तरीके मारना है, ज़्यादा टाइट नहीं करनी है और ना ज़्यादा गीला करना है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, अब इसको बेल लेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार बेल सकते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, मोटा बेलेंगे तो मोटे पारे बेकार लगते हैं, महीन महीन बेलना है, पतला पतला। अब आप देख रहे हैं हमने, आप चाहे किसी आकार में बेल सकते हैं, चाहे लंबा बेल सकते हैं या गोल बेल। गैस को धीमा कर देंगे, अब धीमी आंच में सेकेंगे इसको, नहीं तो तेज आंच में करेंगे तो कच्चे रहेंगे अंदर से, कि कच्चे अच्छे नहीं लगते हैं।
फिर आप रख के भी खा सकते हैं इसको, एक महीने तक खा सकते हैं रख के, आपकी ये पारे ख़राब नहीं होंगी। नाश्ते में चाय के साथ ले सकते हैं, ये बच्चों का फेवरेट आइटम है। अब मिलती हूँ मैं आपको इसको सेकने के बाद। अब आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिए हैं एक चलनी में, अब कितने करारे निकले हैं आप इसको इसकी आवाज़ से महसूस कर सकते हैं। नमकीन पारे तैयार। बस लाना, जलाना देना।